आफताब के खिलाफ दिल्ली पुलिस लगातार सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आफताब कितना जहीनी था, कितना शातिर था, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आफताब के घर से एक रफ साइड नोट मिला है जिसमें आफताब ने इस पूरी साजिश को लिख रखा था, बाकायदा नोट कर रखा था। श्रद्धा के शरीर के जो हिस्से उसने कहाँ ठिकाने लगाए, किस तरीके से ठिकाने लगाए और अपनी प्लानिंग को किस तरीके से उसने अंजाम दिया, ये तमाम चीजें जो हैं वो रफ साइड नोट में है जो कि दिल्ली पुलिस को मिली है। और दिल्ली पुलिस इसी रफ साइड नोट के जरिए इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। करीब 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस वक्त इस रफ साइड नोट के जरिए श्रद्धा के बचे हुए बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसे तलाशने की कवायद कर रही है, जंगलों की खाक छाने जा रहे हैं, साथ ही साथ जो तालाब है उसमें से भी सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, बॉडी के पार्ट्स को बरामद करने की कवायद की जा रही है। जाहिर तौर पर अगर इस पूरे मामले की हम बात करें तो आफताब ने जिस तरीके से इस साजिश को अंजाम दिया, जिस तरीके से उसने कत्ल करने के बाद बॉडी के हिस्से किए और उसे तमाम जगहों पे उसने ठिकाने लगाए, उसके बाद दिल्ली पुलिस लगातार बॉडी के पार्ट्स तलाश रही है। अब तक दिल्ली पुलिस को करीब 18 हिस्से जो हैं वो बरामद हो चुके हैं, जिसमें जबड़े जो हैं वो भी बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस जो है वो डॉक्टर्स के संपर्क में है। दरअसल जबड़े का जो हिस्सा मिला है उसमें बताया ये जा रहा है कि कुछ दांत हैं, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस मुंबई में जहां श्रद्धा ने अपने दांत का इलाज कराया था उस डॉक्टर से संपर्क कर रही है और इस जांच को आगे बढ़ाने की कवायद दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। इतना ही नहीं, एफएसएल के साथ साथ सीएफएसएल जो कि तकनीकी तौर पर ज्यादा लेस है, तकनीकी तौर पर ज्यादा मजबूत है, उसकी भी मदद पूरे मामले में ली जा रही है। और इसी वजह से जो आफताब जिस फ्लैट में किराए पर रह रहा था वहां सीएफएसएल ने भी मौके से तमाम सबूत इकट्ठा किए हैं। बताया ये जा रहा है कि जो बाथरूम के टाइल्स हैं उनके बीच में जो गैप होता है वहां से ब्लड सैंपल मिले हैं सीएफएसएल को। इतना ही नहीं, इससे पहले एफएसएल ने जब मौकाए वारदात का मुआयना किया था, वहां से सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की थी, तो एफएसएल को रसोई घर से ब्लड के सैंपल मिले थे। तो इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे बढ़ रही है, करीब 80% उनकी जांच आगे बढ़ चुकी है, करीब 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में जांच का हिस्सा हैं। तमाम जगहों पे न सिर्फ इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस सबूत इकट्ठा करने की कवायद कर रही है, बल्कि बॉडी के जो पार्ट्स अभी तक मिसिंग हैं उन्हें भी बरामद करने की कवायद की जा रही है। दिल्ली पुलिस की टीम हिमाचल प्रदेश भी पहुंची थी, जहां श्रद्धा और आफताब ने जो उनका जो टूर हुआ था, जहां जहां वो गए थे वहां भी दिल्ली पुलिस की टीम ने वहां से भी पूछताछ किया है। इतना ही नहीं, अब तक की जांच में ये भी पता चला है कि आफताब जो है वो ड्रग्स लेता था, एक कॉमन फ्रेंड था आफताब और श्रद्धा का, वो ड्रग्स बेचता था। दिल्ली पुलिस की टीम उन तमाम लोगों से इस वक्त पूछताछ कर रही है जो कहीं न कहीं श्रद्धा और आफताब के करीबी रहे हैं, और इस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने की कवायद की जा रही है।